गुलबर्गा शहर के डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का ऑफिस में डॉक्टर किरण देशमुख, मजहर आलम खान, प्रवीण पाटिल ने मीडिया से खिताब करते हुए बताया कि पिछले 3 साल से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर श्री प्रियंक खड़गे जी के जन्मदिन बिल्कुल सादगी के साथ मनाते हुए जो लोग जरूरतमंद है उनके लिए कपड़े और घरेलू चीजों को डिस्ट्रीब्यूशन करके मनाया गया था। इस बार हमारे अवामी हरदिल अजीज लीडर श्री प्रियंक खड़गे जी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर का बर्थडे एक अनोखे अंदाज में मनाया जाएगा, जो कि गुलबर्गा शहर के 30 से ज्यादा सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स को आई चेकअप, जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ टाई अप करके 10,000 स्टूडेंट्स का आई चेकअप किया गया, जिसमें 572 स्टूडेंट्स और 22 टीचर्स को चश्मा लगने की रिपोर्ट आने के बाद उनको चश्मा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और 15 स्टूडेंट्स को मेजर प्रॉब्लम रहने की वजह से उनको मुकम्मल तौर पे फ्री में इलाज कराया जाएगा और 22 तारीख के दिन रंग मंदिर में प्रोग्राम के जरिए ये सारे स्टूडेंट्स को चश्मा डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, कहा डॉक्टर किरण देशमुख ने। श्री प्रियंक खड़गे जो कि कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर हुकूमत में कैबिनेट मिनिस्टर है, जो कि अपना काफी स्ट्रांग होल्ड रखते हैं और अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को मुंह तोड़ जवाब देते हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हो या होम मिनिस्टर किसी को भी नहीं बख्शते हैं। इसके अलावा कर्नाटका स्टेट के डेवलपमेंट के लिए कई सारे वर्ल्ड के आईटी कंपनीज के साथ बेंगलुरु टेक समिट कराया गया। वर्ल्ड के कई सारे कंपनीज को इनवाइट करके अपने कर्नाटका स्टेट को एक आईटी हब बनाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रियंक खड़गे अब तक 3rd बार MLA बन चुके हैं। 2016 में सिद्धरामैया की सरकार में कर्नाटका के सबसे कम उम्र में मिनिस्टर बनने वाले लीडर है प्रियंक खड़गे, जबकि उनकी उम्र सिर्फ 38 ईयर थी। आज कर्नाटका के कांग्रेस पार्टी में एक काबिल और एक्टिव मिनिस्टर कहलाया जाते हैं। इस प्रेस मीट में जनाब फारूक हुसैन मनियाल, इराना जलकी, शकील सरडगी के अलावा दीगर लोग मौजूद थे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। सबको नमस्कार। आज श्रवस्ती ट्रस्ट के तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। मैं श्रवस्ती ट्रस्ट का चेयरमैन डॉक्टर किरण देशमुख बोल रहा हूँ। मेरे साथ हमारे ट्रस्टी डॉक्टर श्री मजहर आलम खान साहब है, श्री प्रवीण पाटिल हरवाल सर है और हमारे फारूक हुसैन मनियाल जी है, डॉक्टर सिद्धार्थ पुरवार है और हमारे साथ आज इरणा जड़की और शकील सरडगे है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 22 तारीख को हमारे नेता गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर श्री प्रियंक खड़गे जी का बर्थडे है और कई सालों से उन्होंने बर्थडे एक ग्रैंड सेलिब्रेशन, क्योंकि हज़ारों के तादाद में बेंगलुरु जाते थे उनको विश करने के लिए, तो एक बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन होता था, लेकिन कई सालों से उन्होंने अपना बर्थडे ऐसा एक ग्रैंड वे में बनाना छोड़ के उनके चाहनों वालों को एक रिक्वेस्ट किया है कि उनका बर्थडे अगर सेलिब्रिटी करना चाहते हैं तो एक कोई गरीबों को या फिर ऐसा कुछ सोशल वर्क करके उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए। तो उसी तरह हम पिछले 4-5 साल से हमारा जो टीम है वो ऐसे कई सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे कि स्कूल में नोटबुक्स देने का हो या फिर हेल्थ कैंप या फिर आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं उनके लिए साड़ी दिए हैं, पौर कार्मिकों को कपड़े दिए हैं और लास्ट टाइम बहुत ही बढ़िया तरीके से एक स्पोर्ट्स क्रिकेट टूर्नामेंट भी हम ऑर्गेनाइज किए थे जिसमें अराउंड 177 टीम्स आए थे। तो उसी इसमें हम सब लोग बैठ के इस बार उनका बर्थडे के लिए एक नया प्रोग्राम करेंगे बोल के हम लोग ने सोचा और हम लोगों ने एक कणमणि बोल के प्रोग्राम हमने डिसाइड किया है। ये प्रोग्राम में हम गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको फ्री वहाँ तक उनके डोरस्टेप उनके स्कूल को जाके फ्री उनको आई टेस्टिंग करना और उनको एक स्पेक्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करना बोल के हम लोगों ने एक डिसाइड करके गुलबर्गा में एक हफ्ते से ये ऑलरेडी प्रोग्राम्स चालू है और अराउंड 27 to 28 स्कूल्स में हमने नियरली 10,000 बच्चों को ये हमने स्क्रीनिंग किया है, प्राइमरी स्क्रीनिंग, उसमें ऑप्टम हमारे एक 100 से ज़्यादा हमारे वॉलंटियर्स और हमारे लीडर्स उनमें यूथ लीडर्स उसमें पार्टिसिपेट किया है। उसके साथ एक 15 लोगों का ऑप्टोमेट्रिस्ट का टीम भी पार्टिसिपेट करके अभी थोड़ा का सेकेंड स्क्रीनिंग बाकी है, लेकिन जितने भी सेकेंडरी स्क्रीनिंग हो गया 7,800 लोगों का
उसमें 572 लोगों को स्पेक्स लगा है और एक 22 टीचर्स भी है उसमें जिन्होंने अब तक आई टेस्ट नहीं किया था, तो उनको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और एक 15 लोग उसमें स्टूडेंट्स को हायर इन्वेस्टिगेशन के लिए हॉस्पिटल को हमने टाई अप जिसके साथ किया था दृष्टि हॉस्पिटल, वहाँ पे कुछ अगर हायर इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है वहाँ पे हमने रेफ़र किया है, उसका भी हम कॉस्ट दे रहे हैं। तो इस तरह हम क्योंकि कोविड के बाद हमने एक बहुत सारे स्टडीज़ देखे हैं जहाँ पे स्कूल के बच्चों को क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्क्रीन टाइम उन्होंने 2-3 साल किया था तो इसलिए उनका स्पेक्स बहुत ही कॉमन हो गया है। तो और यूजुअली क्या होता है बच्चों में वो अवेयरनेस नहीं रहता, उनको मालूम नहीं होता है, जो उसके लिए उनका पढ़ाई लिखाई पे भी ये होता है असर पड़ता है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट हमने लाके ये पूरा कार्यक्रम किया है और 22 तारीख को रंग मंदिर में 11:30 मॉर्निंग को हम ये पूरा बहुत ही बड़ा एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम कर रहे हैं। तो यहाँ पूरा हमारा टीम रहेगा और पूरे हम जितने भी यहाँ के लीडर्स हैं उनको इन्वाइट किया है, तो हम लोग हमारे पूरे टीम के तरफ से आप सबको वहाँ इन्वाइट करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा एक जो प्रोग्राम है उसको सपोर्ट करें बोल। तो इस बार हम तमाम लोगों ने बैठ के प्रियंका खरगे टीम ने बैठ कर ये सोचा है कि इस बार कुछ अलग किया जाए जो लोगों को बच्चों को बेनिफिट हो, क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब का एक ऐसा सोच था कि कोविड होने के बाद से बच्चों के आई साइट्स बहुत बच्चों के ख़राब हुई है, ख़ास तौर से जो गरीब बच्चे हैं जिसे पता नहीं चलता है कि उनकी आई साइट ख़राब है नहीं है, सर में दर्द होता है तो वो वैसे ही बर्दाश्त कर रहते हैं और उनके माँ बाप भी बताने की सलाहियत नहीं रखते, तो वैसे बच्चों को हम डोर तक जाकर उन बच्चों को टेस्ट कराने की सोच रहे थे। तो उसी ज़िमन में हम तमाम लोग ये सोचे हैं कि ख़ास तौर से जो गवर्नमेंट स्कूल्स रहते हैं और एडेड स्कूल्स जो ख़ास तौर से गरीब बच्चे सबसे ज़्यादा वहाँ पर जाते हैं उन बच्चों को हम टेस्टिंग किया जाए। तो ये सोच कर पिछले 8 से 10 दिन से हम तमाम स्कूल्स को कांटेक्ट किए हैं और स्कूल्स को जा रहे हैं कंटिन्यूस, और उसमें हमारे ख़ास तौर से यूथ कांग्रेस के जो लीडर्स हैं हमारे उसमें सबसे ज़्यादा उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है कि उनकी टीम जो हर स्कूल में 10-10 बच्चों की टीम उन्होंने ऑर्गेनाइज कर जो काम किया है ये बहुत सराहनीय काम है और बहुत बड़ा काम है। उसके साथ एक 15 ऑप्थोमोलॉजिस्ट जो उनके साथ में रहकर जो प्राइमरी टेस्टिंग किए हैं वो लोग, मैं समझता हूँ तकरीबन 10,000 बच्चों को प्राइमरी टेस्टिंग की गई है। उसके बाद सेकेंडरी टेस्टिंग, फिर एक बार सेकेंडरी टेस्टिंग ऑप्थोमोलॉजिस्ट के साथ मिलकर करने के बाद ये पता चला है कि अराउंड हम लोगों ने 28 स्कूल्स को ये करवाया है, जो जितने भी छोटे और बड़े स्कूल्स मिलाकर 28 स्कूल्स में 10,000 बच्चों को हमने टेस्ट की है। उन स्कूल्स में जब टेस्ट करने के बाद लोगों का ऐसा ख्याल था, जो बेंगलुरु से हम जिसको कांटेक्ट किए थे वो टीम का ऐसा ख्याल था 1-2% बच्चे निकलेंगे उसमें, मगर यहाँ जब टेस्ट किए तो अराउंड 500-600 बच्चों को स्पेक्स लग रहा है, और ऐसे और 3-4 स्कूल बाकी हैं जिसकी सेकेंडरी टेस्टिंग चल रही है, वो भी 1-2-3 दिन में वो भी हो जाएगा, मैं समझता हूँ उसमें भी और निकलेंगे। तो अराउंड 600 बच्चे स्पेक्स लग रहे हैं उन तमाम बच्चों को, और उसमें जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया उसमें एक 15-16 बच्चों को उनके आई साइट बिल्कुल ख़राब हैं तो उनको रेफ़र किया गया है, हमारा जो टाई अप दृष्टि हॉस्पिटल के साथ है उनको रेफ़र किया गया, उनका जो भी खर्चा है हम हमारे ट्रस्ट की तरफ से हम बेयर कर रहे हैं। तो मैं ख़ास तौर से आप तमाम लोगों को यहाँ बुलाने की वजह ये थी कि हम 22 को इन तमाम बच्चों को हम स्कूल से लेकर आकर यहाँ रंग मंदिर में इन स्पेक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है उस दिन वहाँ पर आकर हमारे इवेंट को अगर अच्छी तरह से कवर करेंगे तो ये मैसेज दूसरे लोगों को भी जाएगा कि बर्थडे के मौके पे हम लोग ये बच्चों का ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि हम आप तमाम लोग हमें उस दिन भी सपोर्ट करें। ये बहुत सोच समझ के ये प्रोग्राम हमने कर रहे हैं क्योंकि प्रियांक खरगे साहब
ऐसा नेता है जो कर्नाटक में गरीबों के बारे में हमेशा सोचते हुए कुछ ना कुछ करना चाहिए गरीबों के लिए सोचने वाले एक ही नेता है। उन्होंने बहुत सालों से अपने जन्मदिन सेलिब्रेट करने का तरीका बदल दिया है। मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये जो प्रियंका खड़गे साहब जो कर रहे हैं, इसी तरीके से हमारे तमाम जो नेता है हमारे कर्नाटक में हो, भारत में हो, गरीबों के लिए उनके जन्मदिन के मौके पर कुछ ना कुछ करने का सोचे तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे।